गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं है यहाँ लाया हूँ, जैसा कि मेरा पुराना टॉपिक चल रहा है कक्षा 11 में, अकाउंटेंसी के अंतर्गत लेजर, खाता बही, यानी जर्नल के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है खाता बही। तो मैंने खाता बही में किस तरह जर्नल से का यूज़ होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। इस वीडियो को समझने के लिए भी आपको पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने पिछली वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखी है तो ये आपकी समझ में बहुत कम आएगा, क्योंकि जितने भी या जो भी रूल्स थे वो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। पिछली वीडियो में मैंने खाता बही का अर्थ समझाया, उसके लाभ समझाए थे और ये बताया था कि जर्नल से खाता बही बनाना क्यों आवश्यक है और किस प्रकार बनाई जाती है। मैंने एक कैश अकाउंट के रूप में एक छोटा सा अकाउंट भी बनाया था, वो कंप्लीट अकाउंट नहीं था क्योंकि उसमें मैंने आपको केवल एंट्री करना सिखाई थी कि जर्नल से जब लेजर में हम अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो जर्नल से खाता बही में यानी लेजर में पोस्टिंग किस तरह की जाती है। तो वो कुछ मैंने एग्जाम्पल दे के कैश अकाउंट में बनाए थे। आज मैं उस कैश अकाउंट को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि केवल मैंने डेबिट में कैसे लिखा जाता है, क्रेडिट में कैसे लिखा जाता है यही समझाया था, उसका बैलेंस निकालना नहीं बताया था, टोटल निकालना नहीं बताया था। तो मैं आज उसी क्वेश्चन को, जो मेरे पास एक जर्नल है, इस जर्नल में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 13 अकाउंट खोले जाएंगे, 13 अकाउंट, उन 13 अकाउंट्स के मैंने नाम भी दिए थे आपको, यानी पिछली वीडियो से आप उन 13 अकाउंट्स के नाम ले सकते हैं। आज मैं उन 13 अकाउंट्स को यहाँ बारी बारी से खोलूँगा, ओपन करूँगा जर्नल की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट कैश अकाउंट ही बनाते हैं। आज मेरे पास एक जर्नल है, ये मैं आपको पीडीएफ फाइल में इसका जर्नल उपलब्ध करा दूंगा और इससे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। जर्नल देखना बहुत आवश्यक होता है, मैं ऐसे आपको जर्नल नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको एंट्री बोलकर ही समझाऊंगा। तो ये मैंने दो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, 13 अकाउंट्स हैं, तो मैंने अपनी लाइनें पहले से ही तैयार कर रखी हैं, ज़्यादा जिससे ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। 8 कॉलम इधर हैं, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये एक तरफ का है, फिर बाद में मैंने दूसरे जो आगे के खाते बनेंगे उसके लिए अलग है, यानी 8-8 लाइनें के दो, ठीक है। नीचे तो मैं बना नहीं सकता ना, इसलिए अब हम, मैंने बताया था इसके कितने कॉलम होते हैं, दो कॉलम होते हैं, दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हम अकाउंट खोलेंगे कैश अकाउंट। अब यदि कैश अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं तो मैंने इस अकाउंट्स को, इन खातों की लाइनों को दो भागों में डिवाइड किया है। डेबिट की 4 लाइनें यहाँ पर हम देखा जाए तो ये इस तरह मैं कर देता हूँ, लीजिए थोड़ा सा अलग रखेगा, डेबिट की 4 लाइनें और क्रेडिट के लिए 4 लाइनें। याद रखिए ये डेबिट और क्रेडिट जो है ये इस अकाउंट के लिए है जो यहाँ पर लिखा जा रहा है। कैश अकाउंट के लिए डेबिट पक्ष कौन सा है, वो वाला। कैश अकाउंट के लिए क्रेडिट पक्ष कौन सा है, ये वाला। यानी यदि जिन एंट्रियों में कैश अकाउंट, जो अकाउंट में बना रहा हूँ, डेबिट हो रही है तो उसकी पोस्टिंग डेबिट में ही की जाएगी, और यदि किसी एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रही है तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में ही की जाएगी, ठीक है। जैसे पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, एंट्री से स्पष्ट पता चल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, तो इसका जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा 2016 जनवरी 1 में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 5000 रुपये। याद रखिए कैश का नाम इसमें मैंने पहले भी बताया था, जो अकाउंट हम बनाते हैं उसका नाम लेजर में कहीं नहीं आता है, उसके अपोजिट वाले का आता है, उस पक्ष में आता है जिसमें कैश डेबिट है या क्रेडिट है। इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, इसलिए क्या आया टू कैपिटल अकाउंट डेबिट पक्ष में, ठीक है। अगली है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्या हो रही है, कैश क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट पक्ष में ये जाएगी एंट्री 2016 जनवरी 2 बाई परचेज अकाउंट कितना 2000।
अब आप देखिए डेबिट वाली में क्रेडिट मदें आती हैं और क्रेडिट वाली में डेबिट मदें आती हैं। यहाँ पर जितनी भी मदें आएंगी वो सब क्रेडिट होंगी और यहाँ जितनी भी मदें आएंगी वो डेबिट होंगी, यानी उल्टा होता है, अपोजिट होता है। डेबिट में क्रेडिट लिखना होता है और क्रेडिट में डेबिट लिखना होता है। यदि आपने डेबिट में डेबिट और क्रेडिट में क्रेडिट लिख दिया तो वो आपका गलत होना ही है डेफिनेटली। आगे है स्टेशनरी खरीदी, यानी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट पिछली एंट्री में था, अब है स्टेशनरी खरीदी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो स्टेशनरी कहाँ आएगी, यहाँ पर 4 तारीख में बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना है स्टेशनरी 25 रुपये की। ये क्रेडिट में क्यों आई, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रही है। आगे एंट्री है राम प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें कैश का नाम नहीं है, इस एंट्री को छोड़ दिया जाएगा। अगली है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें भी कैश क्रेडिट में आ रहा है तो हम फर्नीचर यहाँ लिखेंगे बाई में, बाई फर्नीचर अकाउंट कितना है 200 का। उसके बाद है परचेज अकाउंट डेबिट टू जयप्रकाश, परचेज अकाउंट डेबिट टू जयप्रकाश, इसमें कैश का नाम नहीं है, इस एंट्री को छोड़ दिया जाएगा। अगली है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद, इसमें भी कैश का नाम नहीं है, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। मैं केवल उन्हीं एंट्री को इसमें पोस्ट करूंगा जिसमें कैश का नाम हो, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। डेबिट होगा तो उधर पोस्ट करूंगा, क्रेडिट होगा तो इधर पोस्ट करूंगा। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद, अब कैश अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, तो राम प्रसाद किधर पहुंचेंगे, उधर पहुंचेंगे 20 तारीख में टू राम प्रसाद, कितना है राम प्रसाद के 500 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद। आगे है जयप्रकाश डेबिट टू कैश, अब इसमें कैश क्रेडिट हो रहा है तो जयप्रकाश इधर आएंगे 22 तारीख में बाई जय प्रकाश, जयप्रकाश के हैं 800 रुपये। उसके बाद अगली एंट्री में कैश है 25 तारीख में बेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये भी डेबिट क्रेडिट में हो रहा है तो 25 तारीख में बाई बेजेस अकाउंट, बेजेस अकाउंट के हैं 20 रुपये। उसके बाद 27 तारीख में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट पक्ष में पहुंचेंगे 27 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में अमाउंट दी गई है 600 रुपये। आगे हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश, कैश क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट पक्ष में आ जाइए 30 तारीख में बाई ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट पड़ेगी 200। उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें भी कैश क्रेडिट हो रही है 31 तारीख में तो यहाँ ही लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में बाई सैलरीज अकाउंट, कितनी है 100। उसके बाद है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें भी कैश क्रेडिट हो रही है तो ये भी रेंट इधर ही जाएगा 31 तारीख में बाई रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट 75 रुपये। सवाल हो गया फिनिश। अब देखिए यहाँ कितने बार कैश यहाँ एंट्री हुई क्रेडिट पक्ष में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंट्री यहाँ क्रेडिट पक्ष में आई है। इसका मतलब इस जर्नल में कैश 8 बार क्रेडिट हुआ होगा। इस जर्नल में टू कैश अकाउंट वो 8 बार क्रेडिट हुआ होगा, तो क्रेडिट पक्ष में 8 एंट्री आई हैं। डेबिट पक्ष में 3 आई हैं, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट 3 बार हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका टोटल लगाया जाता है, इसका टोटल इधर का लगा लेते हैं, और ये टोटल एक ही लाइन में आमने सामने होना चाहिए, अगर आमने सामने नहीं है तो गलत है।
इसी लाइन में जहां एक ही लाइन में टोटल लगाया जाता है, यदि आमने सामने टोटल नहीं है तो अकाउंट्स को गलत माना जाता है, चाहे ऊपर एक ही एंट्री क्यों ना हो, टोटल आखिरी वाली लाइन में ही लगाया जाता है। तो उधर का टोटल तो आया 6100, और यदि इधर का हम टोटल जोड़ें 6100 में, इधर का टोटल यदि हम जोड़ें तो ये आएगा 3420, 3420। ये हमेशा बैलेंस निकालने के लिए ज़्यादा वाले में से कम वाला टोटल ही घटाया जाता है। 6100 में से ज़्यादा इधर का है, सबसे पहले मैं इधर का लगाया, आप देख रहे हैं इधर का नहीं लगाया टोटल, क्योंकि इधर का टोटल भी 6100 ही करना है। हमेशा अकाउंट के टोटल दोनों तरफ के बराबर करने चाहिए। तो अब बराबर करने चाहिए, यानी 6100 में से यदि 3420 घटा दिया जाए तो ये जो बैलेंस आएगा ये महीने की आखिरी तारीख में बाई बैलेंस सी डी, इसमें से इसको घटा दिया जाएगा 086 और यहाँ 52, 2680। ये क्या है, ये है इसका बैलेंस, ये इसका बैलेंस है। अगर मैं यहाँ 2680 और लिख देता हूँ 2680, तो आज का हमारा ये टोटल इसका बराबर आ जाता है। ठीक है, ये रफली है, ये आपको करना नहीं है, समझाना है। बैलेंस निकालने के लिए हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाता है, और कम वाली तरफ ही उस बैलेंस को लिख दिया जाता है ताकि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाए। तो ये अभी एक खाता मैंने बनाया था जो कि सबसे बड़ा होता है इस जनरल में। अगला खाते का नाम है जो बनाया जाएगा वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जनरल में कितनी बार नाम आता है कैपिटल अकाउंट का, मोस्टली एक ही बार आता है ना, तो इसमें एक ही एंट्री होगी। जनरल में जिस खाते का नाम जितनी बार आता है खाते में उतनी ही पोस्टिंग होती है। अब एक बार चेक कर लीजिए, इसमें 8 बार नाम आया था, इसमें 3, 8 3 11। इस पूरे जनरल में कैश का नाम 11 बार आया होगा, जिसमें 8 बार क्रेडिट करके आया होगा और 3 बार डेबिट करके आया होगा। अगला है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बार बार खाते के इन लाइनों की नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, एक पेज में एक ही बार लिख देते हैं। तो हमें पता है कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी दिख रहा है 2 कैपिटल अकाउंट। यदि हम खाते से पोस्टिंग करते हैं तो कैची बनती है, इधर का इधर और इधर का इधर। कैपिटल अकाउंट देखा आपने 2016 में 1 जनवरी को लिखा है 2 कैपिटल अकाउंट। अब हम 2 कैपिटल अकाउंट को ही लिखेंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। अब हमें कैपिटल को देखना है, अब हमें कैश को नहीं देखना, अब हमें कैपिटल को देखना है, कैपिटल डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है। कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, और क्रेडिट पक्ष चल रहा है ये, तो इधर क्या आएगा 1 जनवरी में, बाई कैश अकाउंट। अब इसमें कैश का नाम क्यों आया, इसमें कैश का नाम इसलिए आया क्योंकि हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे, अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। एक दूसरे खाते में एक दूसरे के नाम आते हैं, यदि हम यहाँ से पोस्टिंग करें तो पोस्टिंग उल्टी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश खातों से पोस्टिंग करते हैं तो अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में ये एंट्री की। यहाँ पर टोटल नहीं, ज़्यादा नहीं है, इसलिए यदि एक ही रकम होती तो एक ही बार लाइन ऐसे खींच देते हैं और बैलेंस इधर को निकाल देते हैं 31 जनवरी को, महीने की आखिरी तारीख में। और जब साल की आखिरी में निकलता है तो वो कुछ और होता है, यहाँ पर केवल यही सीजी बाई बैलेंस सी डी। हाँ, सी डी की बात आई, जब भी हम बैलेंस निकालते हैं तो सी डी लिखते हैं। सी डी का मतलब है कैरिड डाउन, कैरिड डाउन मतलब नीचे ले जाइए। ये खाता भी हो सकता है और बड़ा बने, लेकिन हम केवल जनवरी का बना रहे हैं, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, इसलिए हमें तो केवल एक महीने का हिसाब है। एक लाइन में ये खाता आ जाएगा यदि आप टोटल इसका अलग से ना जोड़ें तब। अगला अकाउंट हम देखेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपको यहाँ पे लाइन अलग अलग खींचनी है, मैं अगर अलग अलग खींचता तो काफ़ी टाइम लगता। अगला अकाउंट देखते हैं कौन सा आता है जनरल में। उन 13 अकाउंट में तीसरा नंबर किसका था वो आप पिछली वीडियो में देखना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगला अकाउंट है परचेज अकाउंट। अब मुझे जनरल में परचेज ढूंढनी पड़ेगी कि परचेज कितनी बार आई है, परचेज अकाउंट। और परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो सारी एंट्री क्या होंगी, डेबिट पक्ष में ही होंगी। तो सबसे पहली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर है 2016 की जनवरी में
वो लिखा है परचेज 2 तारीख में टू कैश अकाउंट। जब हम खातों से पोस्टिंग करते तो जब हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज में लिखा है दूसरे खाते का नाम लिख देंगे कितना है कैश अकाउंट में 2000 रुपये की ये परचेज है। एक परचेज तो ये हुई, और देख लेते हैं और परचेज तो नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और है परचेज अकाउंट डेबिट टू जयप्रकाश, एक बार और है 12 तारीख में, तो 12 में लिखेंगे हम टू जयप्रकाश। अब मैं परचेज को ढूंढ रहा हूँ, मैं कैश को नहीं ढूंढ रहा। अब जितनी बार परचेज होगी उतनी एंट्री मुझे यहाँ करनी पड़ेंगी। ये 1000, ये हो गया 1000। अब कोई भी परचेज नहीं है, अब इसका टोटल लगा दिया जाएगा। इसका टोटल आया सिंपल 3000, और यही बैलेंस आगे निकल जाएगा जिसमें अगली परचेज भी जुड़ती जाएंगी, फरवरी में, फिर मार्च में, फिर लास्ट में जब दिसंबर में बनेगा तो इसका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैं आगे फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा, तब मैं आपको बता भी दूंगा। अब इसका टोटल हमें दोनों तरफ का बराबर करना है, तो इधर भी 3000 आने चाहिए। जब इधर भी 3000 आएंगे, यानी कि 2016 की जनवरी 31 में बाई बैलेंस सी डी 3000 कैरी डाउन, नीचे ले जाइए। नीचे और भी खाता इसका बनेगा परचेज का, तो मैं यहाँ अलग अलग बना रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। आप केवल इतना ही समझिए, वो बहुत डीपली चीज़ है जो आगे बढ़ती है। आपको कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान केवल इतना ही मिलेगा, जब आप व्यावहारिक तौर पर किसी बिजनेस में जाएंगे तब आपको ये नीचे तक अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अगला अकाउंट देखेंगे आप कौन सा है परचेज के बाद। परचेज के बाद आया, हमने कैश भी बना दिया, कैपिटल बना दिया, परचेज भी बना दिया, स्टेशनरी अकाउंट आया नेक्स्ट। ठीक है, स्टेशनरी बना लेते हैं या सेल्स बना लेते हैं पहले। चलिए स्टेशनरी बनाते हैं, क्रम से बनाएंगे, आपके क्रम से लिखा हुआ है अभी है स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी का नाम तो पूरे सवाल में एक ही बार आया है, जो ये लिख रहा है 4 तारीख में, तो जनवरी 4 टू कैश अकाउंट। कितनी है स्टेशनरी 25 रुपये की, बस यही खाता था, इसको यहीं बंद कर देंगे और इसका भी बैलेंस निकाल देंगे जनवरी 31 में बाई बैलेंस सी डी 25। बहुत सिंपल है, आप इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। यदि आपको और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको और समझा दूंगा। आगे है राम प्रसाद का, फिर है राम प्रसाद, तो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा इसमें राम प्रसाद। मैं क्रम से जो जो नाम आ रहे हैं मैंने आपको भी लिखवाए हैं, जो 13 नाम है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। पिछली वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो अगली है, कभी आप सोचेंगे न्यू वीडियो, इसको समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तभी समझ में आएगा ये पिछली वीडियो। आगे आगे है राम प्रसाद का अकाउंट। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा राम प्रसाद का नाम कितनी बार आया है जर्नल में। ठीक है, तो राम प्रसाद का नाम देखते हैं कितनी बार आया है। सबसे पहले आया राम प्रसाद अकाउंट, राम प्रसाद डेबिट टू सेल्स 6 तारीख में, जनवरी 6 में टू सेल्स अकाउंट। कितना है जनवरी 6 में राम प्रसाद 750। अब मैं फिर राम प्रसाद का नाम ढूंढूंगा, राम प्रसाद का नाम अगली एंट्री में है 15 तारीख में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद। अब राम प्रसाद क्रेडिट हो रहे हैं तो इधर जाएंगे जनवरी 15 बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, माल वापस आया 50 रुपये का। और उसके बाद देखते हैं राम प्रसाद का नाम और तो नहीं है कहीं। आगे हैं अगली एंट्री में ही कैश अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद, इससे अब पैसे मिल रहे हैं 20 तारीख में बाई कैश अकाउंट। अब मैं कैश लिख रहा हूँ, इसका मतलब राम प्रसाद का नाम भी इधर कहीं ना कहीं ये लिखा है। देखो 500 रुपये इससे 20 तारीख में मिले हैं। राम प्रसाद का नाम इस पूरे जनरल में कितनी बार आया है, केवल 3 बार। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, तो टोटल देखिए एक बार और सीखिए। इधर का टोटल ज़्यादा है 750, सबसे पहले ये लगा देंगे, और इधर का टोटल भी हमें 750 करना है,
टोटल के नीचे हमेशा दो लाइनें खींचना, याद रखना। मैं खींच नहीं पा रहा हूँ, आगे है। अब कितनी ज़रूरत है इसमें, 550 हो रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, 200 रुपये यदि हम और इसमें डाल दें तो ये हमारा टोटल बराबर हो जाएगा 31 जनवरी में बाई बैलेंस सी डी। इसका टोटल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया 200 रुपये लिखने से, ठीक है। अगला अकाउंट है जो कि अब यहाँ कितने अकाउंट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आगे अकाउंट में बनाऊंगा जिसका नाम है सेल्स अकाउंट। ये डेबिट पक्ष, ये क्रेडिट पक्ष। अगले अकाउंट का नाम आया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स हमेशा क्या होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो सारी एंट्री डेबिट में क्यों होंगी, डेबिट में नहीं क्रेडिट में होंगी। तो सबसे पहली है 6 तारीख में ही राम प्रसाद डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 6 तारीख में आप इधर आ जाएंगे, जनवरी 6 बाई राम प्रसाद। अब राम प्रसाद मैंने इधर लिखा है तो उधर सेल्स भी लिख रही होगी, देखिए वो लिख रही है 750। एक दूसरे के खाते से एक दूसरे की पोस्टिंग की जाती है तो उनकी कैची बन जाती है, इधर का उधर, उधर का इधर, ठीक है। डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में। अब देखते हैं सेल्स कहीं और मिल जाए, एक बार और है 27 तारीख में सेल्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बाई कैश 27 तारीख में। देखो इधर लिख रहा होगा कहीं ना कहीं, वो लिखा है देखिए 27 तारीख में बाई कैश अकाउंट कितना है, 600 रुपये। तो ये दो सेल्स इसमें थी केवल, तो इसका टोटल अब लगा देंगे कितना, 1350। और यही टोटल आमने सामने बिल्कुल एक ही लाइन में 1350। और जनवरी की 31 तारीख को इसका बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस सी डी 1350, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, हर खाता अलग अलग बंद होता जाता है, एक दूसरे में जुड़ना नहीं चाहिए, अलग अलग लाइनें आपको उसमें खींचनी है। नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, अब सेल्स के बाद कौन सा आता है, सेल्स के बाद अगला अकाउंट है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, या फर्नीचर अकाउंट ले लीजिए। सबसे हमने राम प्रसाद का भी बना दिया, अब हम फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट क्रम से चलते हैं, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का नाम केवल एक ही बार है, क्या एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो जनवरी 9 में टू कैश अकाउंट कितना है, 200 रुपये। बस एक ही एंट्री थी, इसको यहीं बंद कर देंगे और इसका बैलेंस जनवरी 31 में निकाल देंगे बाई बैलेंस सी डी 200। अगला देखते हैं अगला अकाउंट है, अगला नेक्स्ट अकाउंट है फर्नीचर के बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न में आप देखिए केवल एक ही बार सेल्स रिटर्न का नाम आया है, जो कि एंट्री है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद। तो एंट्री जाएगी डेबिट में 15 तारीख को, जनवरी 15 में टू राम प्रसाद कितना है सेल्स रिटर्न, 50 रुपये का, ये टोटल इधर ही आ जाएगा। और जनवरी 31 में बाई बैलेंस सी डी 50, ठीक है। अगला अकाउंट है जयप्रकाश का। अब हमें जयप्रकाश का नाम ढूंढना है कि जनरल में जयप्रकाश का नाम कितनी बार आया है। तो जनरल में जयप्रकाश का नाम देखते हैं, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें कहीं जयप्रकाश का नाम नहीं है, जयप्रकाश का नाम है 12 तारीख में। परचेज अकाउंट डेबिट टू जयप्रकाश, टू जयप्रकाश यानी कि इधर जाएंगे जनवरी 12 में बाई परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्योंकि इसमें जयप्रकाश क्रेडिट हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट पक्ष में ही पहुंचेगी परचेज 1000 रुपये। उसके बाद जयप्रकाश को देखते हैं, जयप्रकाश का नाम आया 22 तारीख में, इसमें जयप्रकाश डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट में पहुंचेंगे 22 तारीख में टू कैश
अकाउंट कितना है जयप्रकाश? 800 रुपये। उसके बाद देखते हैं फिर जयप्रकाश और कहीं तो नहीं है। जयप्रकाश का नाम अब कहीं नहीं है, ठीक है। जयप्रकाश का नाम प्रश्न में केवल दो ही बार आया है। तो अब देखिए टोटल किधर का ज़्यादा है, टोटल उधर का ज़्यादा है, तो 200 रुपये इधर का बैलेंस निकलेगा। 31 दिसंबर में टू बैलेंस CD कितना? 200। ये जो मैं टू बैलेंस CD निकाल रहा हूँ ये आपका नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है। इसकी यूज़ आगे चल के होता है, बैलेंसों का यूज़ किस तरह करता है, तो वो आगे आपका एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, उसको मैं उसी समय बनाऊंगा। इस बैलेंस, ये बैलेंस ही इम्पोर्टेंट होते हैं व्यापार में। अब हमें राम प्रसाद पे 200 रुपये का बैलेंस से बात खत्म, कितना खरीदा कितना बेचा ये बात मायने नहीं रखती है। अगला अकाउंट आता है जयप्रकाश के बाद, जयप्रकाश के बाद अगला अकाउंट है बेजेज अकाउंट। तो बेजेज अकाउंट देख लेते हैं। ये टोटल अकाउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 अकाउंट और एक एक लाइन के बचे हैं। मैं उनको चारों को एक साथ बता देता हूँ, एक एक लाइन के हैं इसलिए। ज़्यादा लाइन उसमें नहीं लगेंगी। ठीक है, 4 अकाउंट में सबसे पहले हैं बेजेज अकाउंट, बेजेस अकाउंट्स के बाद है ड्राइंग्स अकाउंट। एक एक लाइनों के खाते हैं ये, एक एक लाइन में ही बन जाएंगे, इसलिए मैं इन चारों खातों को एक साथ ले रहा हूँ। अगला है ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट और फिर रेंट अकाउंट। हर खाते को बंद करना जरूरी होता है, नाम उसका ऊपर लिखना भी जरूरी होता है, सैलरीज अकाउंट। और लास्ट वाली एंट्री में था एक शायद रेंट अकाउंट, ठीक है रेंट अकाउंट। ये चारों खाते मैं आपको एक साथ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इनकी प्रकृति एक ही है, इसलिए केवल ड्राइंग्स को छोड़कर, ड्राइंग्स व्यक्तिगत खाता होता है। बेजेज है, ड्राइंग्स है, सैलरी है, रेंट है, इन चार, ये चारों ही डेबिट हो रहे हैं, यानी डेबिट पक्ष में एंट्री जानी चाहिए और चारों में ही कैश जा रही है। तो इसमें भी टू कैश अकाउंट और इसमें भी टू कैश अकाउंट और इसमें भी टू कैश अकाउंट, सभी में, क्योंकि कैश ही जा रही है, इसलिए चारों में कैश क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। कितने कितने रुपये थे? बेजेज के थे 20 रुपये, बेजेस के हैं 20 रुपये, इसका टोटल हाथ के हाथ लग जाएगा। ड्राइंग्स के थे 200 रुपये, सैलरी के थे 100 और रेंट के थे 75, ठीक है। और इन सब का आप 31 जनवरी में आप बैलेंस निकाल सकते हैं। सबका 31 जनवरी में ही बैलेंस निकलेगा बाई बैलेंस CD। इसमें आ जाएंगे 20, इसमें आ जाएंगे 200, इसमें आ जाएंगे 100 और इसमें आ जाएंगे 75, ये हो जाएगा टोटल बराबर। आपको सब में ही ये बैलेंस लिखना है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैं खाते लाया था, जो एक जनरल का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको PDF फाइल में दूंगा। उस जनरल के क्वेश्चन से जो कि जितने खाते उसमें आए हों, चाहे वो डेबिट होके आए हों चाहे वो क्रेडिट होके आए हों, उन सब के पूरी लिस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। उन सब के मैंने यहाँ अलग अलग अकाउंट्स खोले हैं। अकाउंट्स खोलने का तरीका यही होता है, उल्टी एंट्री होती है, डेबिट में क्रेडिट वाले लिखे जाते हैं, क्रेडिट में डेबिट वाले लिखे जाते हैं। उस खाते का नाम किसी भी खाते में नहीं आया होगा अंदर, जो अकाउंट हम ऊपर बना के लिख देते हैं उसका नाम अंदर नहीं आता, उसके अपोजिट वाले का नाम आता है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि उसका नाम उसमें आ जाए। यदि आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश का नाम उसमें लिख दिया, तो वो अकाउंट 100% गलत है। कैपिटल बना रहे हैं उसमें लिख दिया, जो अकाउंट आप बनाएं उसका नाम उसमें आ ही नहीं सकता, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। ये इसी क्वेश्चन को आप कई बार देखिए, क्योंकि अकाउंट्स बनाने का और कोई दूसरा नियम नहीं है, तो मैं बार बार ये वीडियो देकर भी आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। तो अब मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।